उज्जैन के शिप्रा नदी राम घाट पर कुछ युवकों के द्वारा अपनी मन मर्जी के अनुसार निकलने वाले मुख्य रास्ते पर बड़ी बड़ी रस्सियां बांध दी गई है, जिसकी वजह से आने जाने के दौरान वाहन स्लिप मार रहे हैं। श्राद्ध पक्ष का कवरेज करने गए जिला संवाददाता वीरेंद्र शर्मा और उनका कैमरामैन जब नदी पर कवरेज कर रहा था और गाड़ी को पलटाने में उनकी मोटरसाइकिल रस्सी के ऊपर से फिसल गई, जिससे उनके हाथ पैर में चोट आई है। साथ ही मोटरसाइकिल में भी करीब 10,000 रुपए का मेंटेनेंस रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। जब आम नागरिकों से पूछा तो वह भी परेशान हो रहे हैं और जिन्होंने रस्सी बांधी है उनका कहना है कि हम किसी राज्य सरकार के निर्देश और ना उज्जैन कलेक्टर ना ही उज्जैन SP के निर्देश का मानते हैं। हम हमारी मन मर्जी के हिसाब से ही नदी पर काम करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका के निर्देश के बाद किसके निर्देश से बांधी है रस्सी? ये रस्सी किसके निर्देश के बाद बंधी यहाँ पर? ये निर्देश नहीं चल रहा है, यहाँ पे पानी बढ़ता है इसलिए बांधना पड़ती है। अच्छा, निर्देश वगैरह कुछ नहीं चलते हैं? ये क्या है, सभी नावों की रस्सी बनती है ऊपर। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।